नॉइस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी धीरे धीरे जितने भी हजार की कैटेगरीज हैं उसको हमको डिस्कस करना है। उस दिन कुछ नॉइस का इशू था शायद सिग्नल का, तो उसको हम दोबारा से आज पढ़ेंगे। पर्पज ये है कि जितने भी हजार्ड्स हैं, इस तरह की कैटेगरीज हैं, इन सब को हम जान लें बेसिकली कि ये होता क्या है, यानी एक एक कैटेगरी के बारे में जानें और उससे जुड़े हुए कितने हजार्ड्स हैं ये भी जान जाएं। उसके अंदर वो कैसे इफेक्ट करता है बॉडी को या ह्यूमंस को, फिर क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, यानी जो भी है, जब रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो आपको हजार्ड हजार्ड कैटेगरी ये सब चीज के बारे में लिखना होता है, इसी के बारे में हमको आज डिस्कस करना है, ठीक है ना। नॉइस के बारे में आप लोग जानते हैं, कोई इसको कोई अपना व्यू दे सकता है, व्हाट इज नॉइस? जी, नॉइस किसे कहते हैं? साउंड और नॉइस में क्या फर्क होता है? सब लोग सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, कुछ तो मालूम होना चाहिए ना। एनीबडी? फरहान साहब, मारूफ साहब, आदिल साहब, मंटू कुमार, कोई, किसी के पास कोई आइडिया नहीं? व्हाट डू यू मीन बाय नॉइस? रियली स्ट्रेंज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो ये आपके सामने नॉइस के बारे में कुछ पॉइंट्स। व्हाट इज नॉइस? नॉइस इज एन अनवांटेड साउंड दैट कैन कॉज इंपेयरमेंट्स और डैमेज टू हेल्थ। डिफरेंट नॉइस इफेक्ट्स हियरिंग, नॉइस इफेक्ट्स आर फॉर एग्जांपल हियरिंग लॉस, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। यानी मोटा मोटा नॉइस किसे कहते हैं? अनवांटेड साउंड, जो आमतौर पे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो चीज आपको पसंद नहीं है वो नॉइस, उसको हम नॉइस कहते हैं, जो साउंड आपको पसंद नहीं है। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा ही है? एक्चुअली में सिर्फ ऐसा नहीं है। आपको वो साउंड वांटेड हो या अनवांटेड हो, आपको वो साउंड पसंद हो या ना पसंद हो, अगर वो इम्पेयरमेंट या डैमेज करती है आपकी हेल्थ को तो वो खतरनाक है, वो नॉइस में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी म्यूजिक सुनता है, उसको बड़ा पसंद है, तो उसको वो नॉइस नहीं लग रहा, उसको वो साउंड है और उसको म्यूजिक है, उसका नाम रख रखा है कि जो मेलोडी है जो आपको बहुत पसंद है, आपको मतलब आपका मूड फ्रेश करती है या आपको एक खास मूड में जो है रखती है, तो ऐसे साउंड को म्यूजिक कहते हैं। उसमें लोग की आवाज भी हो सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है उसके भी, वो सब की सब बेसिकली उसमें साउंड निकल रही है और वो साउंड आपको पसंद है, तो आप उसको, किसी को म्यूजिक कहते हैं, किसी को शेर व शायरी कहते हैं, किसी को कुछ भी कहते हैं, देयर आर सो मेनी नेम्स। तो अब कहने के लिए तो वो आप वांटेड साउंड है, तो क्या वो नॉइज नहीं है? अगर वही म्यूजिक आप लगातार घंटों सुनते रहेंगे ना, रोज सुनेंगे, बियॉन्ड लिमिट सुनेंगे, वो जो प्रिस्क्राइब लिमिट है, या यू कह लीजिए जो उसको क्या कहते हैं आप, परमिसिबल जो लिमिट है उसके बियॉन्ड जाती है वो, तो क्या तभी वो म्यूजिक होगा या साउंड होगा? अगर वो आपके हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, एग्जाम्पल के तौर पर लगातार आप पॉप म्यूजिक सुन रहे हैं, या शादियों में जो लोग डीजे, तो होता है कि आप डीजे बजता है, लोग डांस करते हैं और चले जाते हैं, घंटा दो घंटा आधा घंटा, लेकिन वो लोग जो कंटिन्यूअसली उसी का जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसी माहौल में रहते हैं, दिन भर प्रैक्टिस करते हैं और रात भर बिजनेस करते हैं, और वो नॉइस तो बहुत ज्यादा होती है, तो क्या वो भी उनके लिए वो साउंड है या म्यूजिक है?
क्या उनकी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जो लोग डीजे या इस तरह के हैवी साउंड्स के सामने खड़े होते हैं, स्पीकर से रहते हैं, आप देखते होंगे किस तरह से आपकी बॉडी को हिलाती है, यानी उसके अंदर से इफेक्ट निकलता है वो पूरा। तो ये सारी की सारी बातें जो हमें लिखी हुई, नॉइस इज एन अनवांटेड साउंड, ये पार्शली सिंपल लैंग्वेज में तो ठीक है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। एनी साउंड विच कॉज इम्पेयरमेंट और डैमेज टू हेल्थ इज नोन एज नॉइस, एनी। ठीक, अलग अलग नॉइस बॉडी को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं, जैसे हियरिंग लॉस, बहुत ज्यादा तेज साउंड आपके कान सुनना या बहुत देर तक सुनना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये इफेक्ट, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं इफेक्ट्स हैं जो बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। ठीक, व्हाट आर साउंड एंड नॉइस, ये है व्हाट साउंड इज, व्हाट वी हियर, नॉइस इज अनवांटेड साउंड, द डिफरेंस बिटवीन साउंड नॉइस डिपेंड्स ऑन द लिसनर एंड द सर्कमस्टेंसेस, रॉक म्यूजिक कैन बी प्लेजरेबल साउंड टू वन पर्सन, ये सब जनरल डेफिनेशंस हैं, मैंने आपको अभी एक डेफिनेशन बताई सिंपल, वो एक्चुअल आपको ज्यादा क्लियरिफाई करेगी कि कोई भी साउंड विच इफेक्ट्स अ बॉडी, इट मेक्स यू इम्पेयर और डैमेज टू हेल्थ और अदरवाइज डेंजरस किसी भी तरह से, वो सब की सब साउंड है। साउंड इज प्रोड्यूस बाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड रीचेस ईयर्स एंड वेव एज अ वेव्स इन द एयर और अदर मीडिया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट कॉजेस चेंजेस इन द एयर प्रेशर एंड दिस प्रेशर चेंजेस द चेंज ट्रेवल्स थ्रू द वेव टू द एयर एंड प्रोड्यूस साउंड। ये सिंपल साइंस है, ये जो टॉपिक हमारा है बेसिकली हम इसको बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं और उसको इतना ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो है क्या चीज़, फिर हमारा जो पर्पस है रिस्क असेसमेंट का उसमें कॉज और इफेक्ट और कंट्रोल मेजर, तो हमको इस पे फोकस करना है। हालांकि आप जब आपकी बुक में जाएंगे तो बहुत डिटेल में उसके अंदर चीजें लिखी हुई है, उसको पढ़ सकते हैं। हमारा यहाँ पर्पस आपका रिस्क असेसमेंट पे फोकस करना है ताकि आप उसको ठीक से बना सकें। ये जो मैंने नोट्स ये बनाए हैं, ये बेसिकली HSC UK, अगर आप इस पे लिंक में जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको, या फिर कैनेडियन जो सेफ्टी काउंसिल है कॉस्ट, वहाँ से लिया हुआ। तो वो साउंड जो आपको इफेक्ट करती है उसे हम नॉइस कहते हैं, उस नॉइस के अपने पैरामीटर्स हैं कि कब वो कब आपको इफेक्ट करती है, कब इफेक्ट नहीं करती है, उसके लिए उसके अपने यूनिट्स हैं जिसको हम आमतौर पे डेसिबल्स में नापते हैं। वो डेसिबल जो है ना, वन से लेकर और आगे तक चली आती हैं। आमतौर पे ह्यूमन ईयर जो है 70, 80, 90 तक जो है, 85, 90 तक नॉर्मल सुनता है, 85 के बाद वो आपको इफेक्ट करने लगती है अगर आप बहुत देर तक, यानी 8 आवर्स से ज़्यादा कंटिन्यूसली 85 dB की नॉइज सुनते हैं। ये जनरल टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप बुक से पढ़ सकते हैं, हमारा वो सारा इशू यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर हमको जानना है कि नॉइस किसे कहते हैं, उसके बाद फिर वो कैसे आपको इफेक्ट करती है, उसके हजार्ड्स क्या क्या है। हजार्ड का मतलब भी मैंने आपको बताया था, हजार्ड हर उस चीज को कहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाए, है ना, हर वो चीज जो आपको नुकसान पहुंचाए उसे हजार्ड, हर वो चीज या कोई भी वो चीज। अब इसी में नॉइस भी एक वो एक चीज है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस नॉइस के बारे में डिस्कस करना है कि वो नॉइस कैसे क्रिएट होती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं सारे, ठीक है ना, ये सब हजार्ड्स हैं। आपको याद है जब रिस्क असेसमेंट बनाएंगे आप तो नॉइस एक कैटेगरी बन गई, उसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको नुकसान पहुंचाएंगे, जो पहुंचते हैं उसे हजार्ड कहते हैं। जैसे कि वर्किंग विद पुअरली मेंटेन इक्विपमेंट सच एज एंगल ग्राइंडर, कटर, चिपिंग मशीन एक्सेट्रा, ये क्या है, ये हजार्ड है। वर्किंग विद पुअरली मेंटेन इक्विपमेंट सच एज ग्राइंडर, या वर्किंग विद, अगर आपको खाली ग्राइंडर के बारे में बात करनी है तो आप लिखिए वर्किंग विद पुअरली मेंटेन ग्राइंडर, एंगल ग्राइंडर, उससे आपको नुकसान पहुंचा है क्योंकि वो मेंटेन नहीं है, जाहिर वो वाइब्रेट भी करेगा, वो साउंड भी बहुत क्रिएट करेगा, अगर वो मेंटेन नहीं हुआ तो वो इलेक्ट्रिकल इश्यूज भी क्रिएट करेगा, ये सारी की सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम नॉइस की बात करते हैं, जब वो मेंटेन नहीं होगा तो बहुत ज्यादा नॉइस करेगा, वाइब्रेट करने की वजह से भी करेगा वैसे भी, तो ये एक हजार्ड हो गया। देन
यूज पावर्ड और न्यूमेटिक टूल्स। पावर टूल इसमें से ग्राइंडर एक हो गया, कटिंग मशीन होगी, बहुत सारे ना, इनसे जो निकलने वाली नॉइस है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, डिमोलिशन के दौरान बहुत तेज तेज धमाके होते हैं, इससे जो नॉइस निकलती है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वर्किंग नियरली नियर पुअरली मेंटेन जनरेटर, जनरेटर चल रहा है और मेंटेन नहीं तो उसमें बहुत साउंड होती है। ये सब क्या है, अलग अलग हजार्ड, आपको इनमें से किसी को एक को पकड़ना, आपके अपने वर्क प्लेस में जो आपने असेसमेंट बना रहे हैं उसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जिस जो इन सब में से आप ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको सारे लिखने हैं, आपको इनमें से कोई एक जो नॉइस से जुड़ा हुआ है आप ये वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए या ये ले लीजिए, लेकिन आपको आप जब लिखेंगे वो आपके स्टेटमेंट या सेंटेंस इस तरह का होना चाहिए जो ये शो करे कि ये पुअरली मेंटेन या इसे नॉइस क्रिएट हो रही है और वो नॉइस आपके आपको इफेक्ट कर रही है, आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, आपके आपकी हियरिंग को इफेक्ट कर रही है, तब वो हजार्ड में कहलाएगी। अदरवाइज आप खाली लिख देंगे कि वर्किंग विद एंगल ग्राइंडर, तो अगर वो मेंटेन्ड है तो कहाँ हजार्ड हो रहा। अगर आप क्या बोलते हैं ये सेंटेंस इस तरह से नहीं लिखेंगे कि हाँ ये नॉइस क्रिएट कर रहा है जो कि नुकसान पहुंचाएगा हेल्थ को, तब आप ये हजार्ड लिख सकते हैं। यूज इंपैक्ट टूल्स, फॉर एग्जाम्पल हैमर, जैक हैमर्स, ड्रॉप फोर्स और रेविटियर्स, ये सब बहुत तेज नॉइस निकालते हैं, मारते हथौड़ा जोर से आवाज निकलती है। जैक हैमर जो पत्थर वत्थर तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह की चीजें, ड्रॉप फोर्स जो किसी को पीटते हैं छप टपड़ा करने के लिए, रेविट करने के लिए कई बार जो है वेल्डिंग नहीं करते हैं आप, छेद करके उसमें से एक नट या कुछ चीज डालते हैं उसको पीटते हैं, पीट के उसको चीजों को जोड़ देते, जैसे आप तो ब्रिजेज वगैरह बनते हैं, हावड़ा ब्रिज है या दिल्ली में जो ब्रिज है, इस तरह के बहुत सारे ट्रस वगैरह जो डेवलप करते हैं बनाए जाते हैं उसमें रिपीटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, अपने लोकल लैंग्वेज उसको रिपीट बोलते हैं। इसके अलावा यूज पावर्ड कार्ट्रेज ऑपरेटिंग टूल्स एंड गन्स और पंचिंग टूल्स। वर्कर्स आर इन एरिया वेयर देर इज इंटरफियरिंग नॉइस फॉर मोस्ट ऑफ द डेज, फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम क्लीनर, अ बिजी स्ट्रीट और अ क्राउडेड बार, बहुत शोर है यहाँ पर, वहां पर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं वो, तो ये सब के सब आपकी बेसिकली हियरिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्किंग इन एरिया वेयर हैवी इक्विपमेंट सच एज डोजर्स, डंपर्स, ट्रक, ट्रैक्टर्स, स्किड लोडर्स, बैकहो आर वर्किंग, अब आपको जरूरत नहीं है सारे क्या बोलते हैं इक्विपमेंट का नाम लिखिए, आप खाली डंपर ही है तब भी आप लिख सकते हैं, ट्रक है तब भी लिख सकते हैं, लगातार चल रहा है तो नॉइस क्रिएट कर रहा है जो कि नुकसान पहुंचा रहा है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये सब इस तरह के ये हजार्ड्स हैं जो आपके जिसको आप लिख सकते हैं। कारपेंटर्स वर्किंग इन विद हैंड एंड टेबल सॉ, प्लानर्स न्यूमेटिक और कार्ट्रेज ऑपरेटेड नेल गन्स, ये सारे के सारे ज्यादा साउंड क्रिएट करने वाले हैं टूल्स हैं। प्लांट एंड मशीन ऑपरेशंस एंड असेंबली जॉब्स इन फैक्ट्री और यूज ऑफ हैवी मशीन सच एज मेटल और ग्राइंडिंग, ये सब चीजें। इसके अलावा म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अब ये मैंने एग्जांपल दिया था शुरू में, म्यूजिशियंस हु प्ले इन रॉक ग्रुप्स और ऑर्केस्ट्रा फॉर लॉन्ग आवर्स, इनको नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारे क्या है, ये हजार्ड्स हैं, आपको एक लिखना है, ये 10-11 मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरह से आप इनको क्रिएट कर सकते हैं अपने जो आपको लिखना है। मान लिया आपने नॉइस आपने कैटेगरी चुनी है, अब आपका वर्क प्लेस मान लिया कोई कंस्ट्रक्शन की साइट है जहाँ पर हैमरिंग होती है, यहाँ पर मशीनें चलती हैं, यहाँ पर ग्राइंडिंग होती है, हॉटवर्क भी होता है, यहाँ पे सॉ मशीन चलती हैं, हैंड सॉ चलता है, ये सब हैवी नॉइस की चीज़ें हैं। अब आप उस सिचुएशन के हिसाब से इनमें से एक हजार्ड लिख सकते हैं जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह से आपका ये पहला वाला जो कॉलम था जिसमें हजार्ड कैटेगरी एंड हजार्ड है ये कवर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके बाद में बात कर रहा हूँ, सर किस वक्त दिखाऊँ आप जान चुके हैं इसलिए ये आप सब जानते हैं, दोबारा इसको टाइम वेस्ट करने वाली बात। फिर उसके बाद अगला जो सवाल हमारा आता है वो आता है हाउ इट कैन हार्म, ये नुकसान कैसे पहुंचाता है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक तो होता है किसको नुकसान पहुंचाएगा, तो काम करने वाले जो ऑपरेटर हैं या जो
आसपास जो लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारे वो लोग नहीं, ऑपरेटर खुद या जो पीपल हु आर इन द सराउंडिंग वर्किंग विद देम आर इफेक्टेड बाय दिस। तो हु हमारा पहले कॉलम में था हजार्ड कैटेगरी, वो आपको बता दिया वो नॉइस है ना। हजार्ड क्या है वो मैंने आपको अभी लिस्ट पूरी दिखा दी, इनमें से कोई आप चूज कर लीजिए। किसको नुकसान पहुंचाएगा, तो उसमें ऑपरेटर हो गया, यानी अगर एंगल ग्राइंडर है तो एंगल ग्राइंडर ऑपरेटर एंड द पीपल वर्किंग नियर बाई और इन क्लोज सराउंडिंग, वो भी उसी तरह से साउंड सुन रहे हैं जैसा वो ऑपरेटर सुन रहा है, तो इन दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। और द फोरमैन और सुपरवाइजर हु इज सुपरवाइजिंग जॉब इन द नियर बाई एरिया, इन सबको वो नुकसान पहुंचेगा। हु कैसे नुकसान पहुंचाएगा वो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए। हाउ, और इसको ही लिखने में लोग गलतियां करते हैं। जो ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक की वजह से बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझते कि नुकसान कैसे पहुंचता है कांड में। लोग समझते हैं वो थोड़ा सा हल्का लिख दिया कुछ काम हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मोड़ा लिखने वाली कहानी नहीं है, यहाँ आपको ज्यादा लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कंटिन्यूस एंड और लाउड नॉइस कैन डैमेज सेल्स एंड मेम्ब्रेन्स इन द कॉक्लिया। एक चीज क्या है, कंटिन्यूस लगातार और ज्यादा नॉइस वो क्या करता है, आपके ईयर सेल्स मेम्ब्रेन जो कान का पर्दा से करते हैं है ना, वो डैमेज करता है इन द कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या होता है, आपके आपके कान के तीन पार्ट होते हैं, आउटर ईयर जो आपको दिखता है, यहाँ से साउंड वेव्स अंदर जाती हैं तो उसके मिडिल ईयर में वो प्रोसेस होती है, कान का पर्दा जो होता है ना, उसके अंदर छोटी छोटी दो हड्डियां होती हैं, नेस्टेरप और एनविल जिसको कहते हैं, वो उस पर्दे से लगी रहती है। जो पर्दा आपका हिलता रहता है तो वो हड्डियों को भी वो क्या बोलते हैं धक्का देता रहता है, वो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है उसको, और वो फिर जो दूसरी हड्डी होती है वो बेसिकली एक स्नेल टाइप गोल जो है एक स्ट्रक्चर होता है आपके कान के अंदर इनर ईयर में, वो ट्यूब्स होती हैं जो घूम के आपके कान में, जैसे सीप या घेगा टाइप का होता है वो आपके कान के अंदर होता है, उसके अंदर उस ट्यूब्स के अंदर लिक्विड होता है और उसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो बाल उसमें लटकते उसमें रहते हैं, करीब 20 से 25 हज़ार के आसपास बाल होते हैं कान में, कान के अंदर उस कॉकलिया के अंदर, और उस कॉकलिया की जो जड़ जो हेयर सेल्स की जो जड़ होती है जो आप स्किन से टच करती है जहाँ से बाल निकल जाते हैं, वो बेसिकली बहुत बारीक बारीक नर्व से होते हुए, यानी उसको वहाँ से उसको जब हिलती है तो उसके अंदर सिग्नल क्रिएट करती है और वो नर्व्स के थ्रू नर्व सेल्स के थ्रू वो सीधे ब्रेन में जाती है, ब्रेन में जाके आपका वो प्रोसेस होता है आप सिग्नल से, वो फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है कि ये क्या चीज़ है, ये आदमी की आवाज़ है या बंदर की आवाज़ है या ट्रेन की आवाज़ है या प्लेन की आवाज़, धमाके की आवाज़, अब्बा की आवाज़, अम्मा की आवाज़ है ना, कोई लोहा है, सड़क है, गाड़ी है, वो बचपन से आप उसको सुनते रहते हैं और फिर आंखों से वो देखते रहते हैं, तो जब भी वो सुनते हैं वो सिग्नल उस तरफ जाता है, वहाँ ब्रेन में आंखों की भी साथ भी इमेज जाती है और साउंड की भी सिग्नल जाते हैं, दोनों को प्रोसेस करते हैं, बोलते अच्छा ये इमेज है, ये मेरे अब्बा है या ये मेरे रिश्तेदार है या मेरा दोस्त है या मेरी या ये गाड़ी है या ये बंदूक है, उसके साथ वो इस तरह से वो धीरे धीरे मेमोरी डेवलप होती चली जाती है, वो डायरेक्टली बनती चली जाती है विद इमेज। तो आपको जब भी कुछ सुनाया जाता है, बैठ रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, अचानक से अरे अब्बा आ गए, भागो पढ़ाई किताब उठा लेते हैं हम लोग। तो ये जो कान के अंदर वो जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो बाल है बेसिकली सारा काम उसका होता है, वो क्या बोलते हैं नेचुरल स्ट्रक्चर है। तो जब आप मान लिया ये पाइप है, इसके अंदर एक यू कह लीजिए आप इस तरह से, ये एक ये बाल है, तो जब आप यहाँ से टकरा रहा है यानी कोई आवाज निकली तो ये यहाँ पे हिलेगा तो ये भी हिलेगा है ना, जब ये हिलेगा तो जब ये हिलेगा लिक्विड से तो फिर ये आप उसके ऊपर जो जड़ है ये यहाँ से वो सिग्नल जा रहा है और सीधे ब्रेन में चला जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एकदम। तो वो जो हिलेगा वो किस तरह से हिल रहा है, क्या रिदम है वो उसके अंदर, वो जो हेयर सेल्स है उसकी भी खास तरह का स्ट्रक्चर है छोटे से बड़े तक, तो उसमें अलग अलग जहाँ पे अलग अलग जब हैमर से वो जब चोट पहुँचती है हल्की तेज लगातार, तो उसके हिसाब से जितनी बार वो एक बार हिलेगा, दो बार हिलेगा, तीन बार हिलेगा और सिग्नल पहुँचता रहेगा। लेकिन चूंकि वो स्ट्रक्चर है ना नेचुरल है,
तो धीरे धीरे वो करते करते वो थक जाता है, निढाल हो जाता है। जैसे आपकी बॉडी है, आप अगर थोड़ा बहुत चलना हो तो फ्रेश रहते हैं, लेकिन आपको 5 किलोमीटर चलना हो तो 4-5 किलोमीटर आप थक जाएंगे, आपको आराम चाहिए। आप जाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा आराम करते हैं, लेटते हैं अगर, तो 1 घंटे आप फ्रेश हो जाते हैं, फिर आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। उसी तरह से यही बॉडी स्ट्रक्चर सेम बालों का भी होता है, तो वो थोड़ा बड़ा अगर साउंड होता है तो हिलते रहते हैं, घंटों तक चलते रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन तेज साउंड अचानक है जोर से तो मुड़ जाएगा, या तेज धमाका सुना आपने तो अचानक से मुड़ जाएगा, फिर वो जल्दी ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा थोड़ी देर के कान सुन हो जाएगा, कोई आवाज आ भी रही है तो चूंकि हेयर सेल घूम नहीं रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं, तो सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, तो आपको लगता है कोई आवाज ही नहीं आ रही है, फिर धीरे 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 वो, फिर वो लेटा लेटा जाए, फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर वो हिलता है तो आपको आवाज सुनाई देती है। कई बार ये चीजें बहुत ज्यादा धमाका हो गया, मान ली इतना तेज धमाका हुआ कि ये प्रेशर से वो टूट ही गया, तो वो बनेगा भी नहीं, यानी कान का पर्दा फट गया और इतना तेज हैमर उसमें लगा कि वो स्ट्रक्चर को इसने तोड़ दिया हेयर सेल्स को, तो हमेशा के लिए। अब ये टेम्पररी लॉस भी हो सकता है ना, परमानेंट लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा धीरे 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 आप करते करते अगर लगातार दिन भर आप आवाज कर रहे हैं, तो यहाँ खड़ा है वो, यहाँ मुड़ते मुड़ते वो कंटिन्यूसली 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा और ज्यादा नॉइस पे कई कई दिन तक लगातार उसी साउंड पे कर रहे हैं, तो वो मतलब वो परमानेंटली इतना मुड़ गया। अब ये जो गैप हो गया इसके अंदर, वो इतना पहले गैप इतना था, अब वो मुड़ गया तो गैप इतना हो गया, तो अब इतनी दूर तक तो की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। इसको हम कहते हैं बहरापन या टेम्पररी बहरापन या ऊंचा सुनना, इसको कह लीजिए, या NIHL, नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस। ये वो प्रोसेस है जो नॉइस आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। आपको ये प्रोसेस समझाना है कि नॉइस किस तरह से आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है। कुछ तो डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होते हैं। जैसे डायरेक्ट इफेक्ट ये हुआ कि आप सुन नहीं पा रहे हैं, टेम्पररी जो है ना हियरिंग लॉस है, या परमानेंट। लेकिन ये जो हियरिंग लॉस, चूंकि नॉइज से जुड़ी हुई चीजें बहुत धीरे धीरे डेवलप होती हैं, तो अक्सर ये जो चीजें डेवलप हो जाती हैं वो फिर सही नहीं होती। अगर थोड़ा सा बहरापन आ गया तो वो आ जाएगा, क्योंकि वो अब वो उसकी कमर इतनी मुड़ चुकी है कि वो अब इतना मुड़ा ही रहेगा। आपने लगातार कई कई दिनों तक, घंटों तक, महीनों तक उसको इतना प्रेशर दिया है कि वो हेयर सेल मुड़ गए हैं, अब वो परमानेंट उनका स्ट्रक्चर ही ये हो गया, तो अब इतना गैप हो गया है, वो इतना बहरापन आपके अंदर आ ही गया। चाहे वो आप म्यूजिक सुनते हो, देर तक मोबाइल पे आप लगाकर गाना सुनते हो, है ना, हेडफोन के थ्रू या ईयरबड के थ्रू, कुछ भी करें, वो बेसिकली आपके उस हेयर सेल को हिला रही, तभी आप सुन रहे हैं। अब वो चाहे म्यूजिक हो, चाहे अब्बा की आवाज हो, चाहे पढ़ाई हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप काम हैमर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या अब्बा की आवाज, या गाड़ी की आवाज, या म्यूजिक, बेसिकली वो उन हेयर सेल्स को इफेक्ट कर रही है। और हेयर सेल्स को इफेक्ट अगर उस लेवल पे कर देती है, चाहे वो अचानक एक बार में या धीरे धीरे, कि वो अब परमानेंटली इतना उसका वो मुड़ गया है, तो अब उसके अंदर वो कमी आ गई है, वो गैप आ गया है, उस गैप की वजह से अब वो टेम्पररी हेयर लॉस या नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस या उस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आपको यहाँ पे जो बताना है उसमें कि कैसे नुकसान पहुंचे, वो यही बताना है कि कंटिन्यूअस एंड और लाउड नॉइस कैन डैमेज हेयर सेल्स एंड मेमोरी इन द कॉक्लिया। लिसनिंग टू लाउड नॉइस फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन ओवरवर्क हेयर सेल्स इन द ईयर विच कैन कॉज दीज सेल्स टू डाई। द हियरिंग लॉस प्रोग्रेसिस एज लॉन्ग एज द एक्सपोजर कंटिन्यूज, हार्मफुल इफेक्ट्स माइट कंटिन्यू इवन आफ्टर नॉइस एक्सपोजर हैज स्टॉप्ड। डैमेज टू द इनर ईयर और ऑडिटरी न्यूट्रल न्यूरल सिस्टम इज जनरली परमानेंट, वो जब हो जाता है तो वो परमानेंट, वो जल्दी ठीक नहीं होता। ये आपको बताना है, ये प्रोसेस आपको बताना है कंटिन्यू, ये जो मैंने बताया ना आपको, ये आपको लिखना रहता है कि इस तरह से ये नॉइस नुकसान पहुंचाती है आपकी हियरिंग को। सारा सवाल इसी बात का है कि आपको ये प्रोसेस अगर बताना आता है तो आपका ये हु तो हो गया, आसान है, इसको नुकसान पहुंचाए, इसको कैसे नुकसान पहुंचाएगा वो, ये आपको ये प्रोसेस लिखना है। अगर ये प्रोसेस लिखना आ गया आपका काम बड़ा आसान हो गया। इफ लाउड नॉइस डैमेजेस टू मेनी हेयर सेल्स, सम ऑफ देम विल डाई। रिपीटेड एक्सपोजर्स ऑफ लाउड नॉइस विल ओवर टाइम डिस्ट्रॉय मेनी हेयर सेल्स। दिस कैन ग्रेजुअली रिड्यूस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीच इन द नॉइसी प्लेसेस।
Eventually, if hearing loss continues, it can become hard to understand the speech even in a quieter places. ये तो एक इफेक्ट हुआ, दूसरा इफेक्ट भी है. In addition to the damaging hair cells, noise can also damage the auditory nerves that carries information about sounds to the brain. Early damage may not show up on your hearing test. It can create a hidden hearing loss that may make it difficult for you to understand speech in a noisy area. So, आपको ये process लिखना है. How? किस तरह से नुकसान पहुंचाती है? इसका नुकसान पहुंचाने का तरीका ये है. Clear? इसमें कोई सवाल कोई क्वेश्चन तो नहीं. इसके अलावा एक तरीका मैं और बताता हूँ आपको, अगर इसको समझने में दिक्कत होती है, अगर ये आपको आता है तो अच्छी बात है. दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल में डालिए सवाल कि हाउ नॉइस इफेक्ट हियरिंग और द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डैमेजिंग हियरिंग बाय द नॉइस. तो आपको जब से डालेंगे तो दसियों उसमें आंसर आ जाएंगे. उसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स के भी आंसर्स होंगे, उसमें जनरल आंसर्स भी होंगे. आप उसमें से चार पांच वेबसाइट्स के आंसर्स देखिए, छोटे छोटे उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और उससे समझने की कोशिश करिए. और ये पांच छह इस तरह से आप कर लेंगे तो उन सबको फिर अलग करके आप अपना एक नोट बना. जब आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से नुकसान पहुंचाता है तो उसको किनारे करिए और अपना एक नोट तैयार कर लीजिए छोटा सा. या आपको लगता है उसी में कोई अच्छा सा आपको आंसर मिल जाएगा जो आपके सारे आंसर्स दे दे रहा है, तो भी आप उसको ले लीजिए. इस तरह से आपको जो हेयर सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं या हियरिंग लॉस होती है. सवाल यह है कि कैसे नुकसान पहुंचाता है, तो ये तरीका है, आसानी से गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं. आप हिंदी में लिख लेंगे अगर, तब भी आपका हो जाएगा. हिंदी में छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर लिख लेंगे और उसे गूगल ट्रांसलेट में डालेंगे तब भी वो अच्छा सा सेंटेंस एक पैराग्राफ बन जाएगा. वो भी वो आपका अपना आंसर होगा, क्योंकि आप 10 सोर्सेज से पढ़कर एक छोटा सा आंसर लिख रहे हैं और उसको फिर कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो वो बहुत परफेक्ट आंसर होगा. ये सारे तरीके हैं, लेकिन आप खाली लिख देंगे कि इट विल कॉज हियरिंग लॉस और NIHL, तो ये आंसर ये इफेक्ट है उसका. आगे चल के देखिए यहां पे लिखा भी हो गया कॉन्सिक्वेंस, नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस और इंडस्ट्रियल डेफनेस, एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाउड नॉइस डिस्टर्ब्स एंड डिस्ट्रॉयज दीज माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल हेयर्स, वन ऑफ एक्सपोजर टू हाई नॉइस एग्जाम्पल 4 hours ऑफ वर्क इन हाई नॉइस एरिया विल प्रोबेबली कॉज टेम्पररी लॉस ऑफ हियरिंग सेंसिटिविटी और टेम्पररी रिंगिंग इन द नॉइस. The microscopically small hairs have been distributed but not damaged beyond repair. Repeated exposure of the result means permanent threshold shift. तो ये सब क्या है? ये इफेक्ट है, ये हाउ नहीं है, ये वॉट है. वॉट इज द इफेक्ट, होगा क्या? बहरा हो जाएगा. कैसे होगा? ये आंसर ये वाला जो जो रिस्क असेसमेंट में जो सवाल होता है वो होता है कैसे इफेक्ट करेगा. तो ये है हाउ, ये आपको लिखना. ओके ये तो आपके इफेक्ट हो गया. कॉन्सिक्वेंस भी अगर आप चाहें तो एक आधा कॉन्सिक्वेंस लिख दीजिए, नहीं तो इफेक्ट लिखना है आपको. देन कंट्रोल मेजर्स, अब किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे, यानी हियरिंग लॉस को या नॉइस को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये आपको अल्टीमेटली फोर्थ कॉलम में लिखना है. थर्ड कॉलम में भी यही लिखना रहता है. देखिए जब निवर्स जब आप रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो उसमें कैटेगरी हो गई, हजार्ड हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया, ये दो कॉलम में सिमट गया. तीसरा कॉलम जो होगा वो होगा कैसे आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं सेफ्टी, उसके लिए रिस्क को कंट्रोल करने के, नॉइस कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया. तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर 10 तरह के कंट्रोल हैं और आप सारे कंट्रोल नहीं ले रहे हैं, आपने बोला खाली हमने साइनेज लगा रखा कि वी आर ईयर प्लग और ईयर मफ, एक कंट्रोल है, लोगों ने बता तो दिया कि यहाँ पे हाई नॉइस एरिया यूज ईयर प्लग और यूज हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस ना, या आपने जो है ईयर प्लग दे भी दिया. तो अगर वो 10 कंट्रोल मेजर्स हैं टोटल, उसमें दो तो आपने कर दिया, लेकिन अभी 8 बाकी हैं,
तो जो कॉलम नंबर थ्री और फोर है वो यही चीजें हैं। कॉलम नंबर थ्री में बेसिकली आपको लिखना है कैसे नुकसान पहुंचेगा, सॉरी आप क्या कंट्रोल कर रहे हैं, और चौथे कॉलम में है फर्दर क्या कंट्रोल करना है। दोनों चीज कंट्रोल से जुड़े हुए हैं एग्जैक्टली, कि हियरिंग को कैसे कंट्रोल करना है, लॉस को। तो 10 कंट्रोल मेजर हैं, दो आप ले चुके हैं, बाकी जो 8 बचे हैं वो लेने हैं, या 5 ले चुके हैं 5 और लेने बाकी हैं, या 7 आप ले चुके हैं 3 बाकी हैं, या आपने कोई भी कंट्रोल नहीं किया 10 के 10 अभी लेने बाकी हैं, या 10 के 10 आप ले चुके हैं 1 भी लेने बाकी नहीं है। दोनों कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 एक ही जैसे हैं, बस फर्क यह है कि जो कंट्रोल आप ले चुके हैं, बहुत सारी जगह पर क्या होता है टीबीटी दे रहे हैं आप, मैं इसके बारे में बता रहे हैं, तो आपने लोग अवेयरनेस की, बहुत छोटा सा कंट्रोल मेजर है पर है। हाँ, मैं बता रहा था कि अब किसी चीज को कंट्रोल, ये नॉइस को हटा लिए, कुछ और ले लेते, मान लिया वर्किंग एट हाइट है। अब वर्किंग एट हाइट एक हाई रिस्क जॉब है, बहुत सारे हजार्ड्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल भी हैं। अब आपके वर्क प्लेस में, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पर अगर वर्किंग एट हाइट है, आपने वहां पर कुछ जगह पोस्टर्स या साइनेज लगा रखे हैं, आप टीबीटी भी देते हैं टूल बॉक्स टॉक की, भाई वर्किंग एट हाइट जो है, वर्किंग एट हाइट बहुत खतरनाक है। तो ये तो ऑलरेडी आप भले छोटे छोटे कंट्रोल मेजर हैं, लेकिन आपने लोगों को बताया हुआ है। मान लिया 15 कंट्रोल मेजर हैं वर्किंग एट हाइट के रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, आपने दो ही लिए हैं, तो बचे कितने 13। तो आपको 13 भी लिखने हैं, जो ले चुके हैं वो आपको कॉलम नंबर 3 में लिखना है, व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, और बचे हुए 13 आपको लिखने कॉलम नंबर 4, व्हाट फर्दर कंट्रोल मेजर्स आर रिक्वायर्ड। तो दो ले चुके हैं, फर्दर 13 और लेना बाकी है। अगर आपने 5 ले रखे हैं तो 10 लेने बाकी हैं, अगर क्या बोलते हैं 12 ले रखे हैं तो 3 बाकी हैं, आपने 13 क्या बोलते हैं 1 लिया है तो 13 बाकी, 14 बाकी हैं। इस तरह से आपको, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब दोनों कंट्रोल में जो है, एक आप ले चुके हैं और एक आपको लेना है, तो जो ले चुके हैं उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी और जो लेना है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। यही लैंग्वेज आप डिसाइड करती है कि आप क्या लिख रहे हैं। कई बार लोग यही गलती कर देते हैं, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती वो इसमें अक्सर गलती करता है कि हम कंट्रोल मेजर तो लिख दिया, तो जो ले चुके हैं उसमें लिख रहे हैं लेना, और जो जो ले चुके हैं जो लेना है उसमें वी आर डूइंग, वी आर गिविंग ट्रेनिंग। तो ये लैंग्वेज का एक बड़ा इशू है। अगर आप इसको हिंदी में लिख डालेंगे और ट्रांसलेट करेंगे तो आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप सही से लिख देंगे। पहले वाले यानी कॉलम नंबर 3 में व्हाट आर यू डूइंग में आपके सेंटेंस कुछ इस तरह के होने चाहिए, ऑल द वर्कर्स हैव बीन ट्रेन्ड, है ना, टीबीटी इज बीइंग प्रोवाइडेड, सैनिटाइजर्स आर पोस्टेड, नॉइस सेफ्टी पोस्टर्स आर इन प्लेस, पीपी इज प्रोवाइडेड टू ऑल द वर्कर्स, रिस्क असेसमेंट हैज बीन डन। ये क्या है? ये लैंग्वेज है आप क्या क्या कर चुके हैं। इसी चीज को आपको अगर करना है और यहाँ पर ये लिखना है आपको हजारों कंट्रोल करना है, तो उसमें लैंग्वेज रिक्वेस्ट वाली नहीं होगी, वहां पे कमांडिंग लैंग्वेज होगी, इंश्योर पीपीई इज प्रोवाइडेड, इंश्योर ऑल द वर्कर्स आर ट्रेन्ड, इंप्लीमेंट हायरार्की ऑफ कंट्रोल, चेक That PP is in good condition. यहाँ पर जो सेंटेंस है उसकी मेकिंग उसकी कमांडिंग लैंग्वेज होगी और वो इंश्योर करेगा कि हाँ अगर सेफ्टी चाहिए आपको तो ऐसा करना है, ये करो ये करो ये करो, ऐसा करो वैसा करो, ये होना चाहिए, ये इंश्योर करो ऐसा करो, और जो आप कर रहे हैं है ना, इज डन डूइंग प्रोवाइडिंग वर्किंग, इस टाइप की लैंग्वेज। कंट्रोल मेजर सेम है लेकिन जहां पे आप ऑलरेडी वो ले रहे हैं उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है और जहां पे आपको लेना है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। यही सारा मामला है जो आप जब ये गलती करते हैं तो कई बार
एग्जामिनर वगैरह जो है जब चेक करते हैं तो उसको काट देते हैं, क्योंकि ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश आपकी थोड़ी सी इस लेवल की होनी चाहिए कि आप अपनी बात को क्लियरली मेंशन कर सकें, समझा सकें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसका मतलब ये कि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए मेरे पास बहुत सारे कंट्रोल मेजर है ना, आपको मालूम है हायरार्की ऑफ कंट्रोल। हायरार्की कंट्रोल में जो है सबसे अच्छा कंट्रोल पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद इस तरह से करके सेफ्टी में जो है चार पांच तरह की हायरार्की है। एलिमिनेशन सबसे अच्छा है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन है, फिर इंजिनियरिंग कंट्रोल है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, फिर पीपीई है। अब आपके पास सारे कंट्रोल मेजर्स हैं, जो जो आपको याद आता जाए आप लिखते चले जाइए। फिर बाद में जब आपने मान लिया 10 कंट्रोल मेजर आपने लिख लिए, तो उसमें देखिए कि इसमें एलिमिनेशन वाला कौन सा है उसको सबसे ऊपर कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन वाला कौन सा है उसको उसके बाद लिख दीजिए, पीपी वाला कौन सा है सब नीचे कर दीजिए। इस तरह से करके आप उसको अरेंज कर दीजिए, है ना। पहले आप सब लिख लीजिए। जैसे एलिमिनेशन के लिए क्या है, एलिमिनेट द प्रोसेस दैट क्रिएट्स नॉइज सोर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वर्क प्रोसेस, सिलेक्टिंग न्यू वर्क इक्विपमेंट एंड डिजाइनिंग द लेआउट ऑफ द वर्क स्टेशन, लाइक आउटसोर्सिंग द नॉइसी वर्क प्रोसेस एंड मूविंग द नॉइसी ऑपरेशन अवे फ्रॉम द वर्क एक्टिविटीज। एक कंट्रोल मेजर ये है। एडवांस प्लानिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग सुटेबल बाय क्वाइट परचेजिंग और हायर पॉलिसी टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द कंसीडर वर्क प्रोसेस। ये सब क्या है, ये सारे तरीके हैं एलिमिनेट करने के। इनमें से जो भी आपको सुटेबल है एक दो आप उसको करिए, इसको लिख लीजिए। एलिमिनेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन, अगर ये नहीं पॉसिबल है तो ये है, कंसीडर अल्टरनेटिव इक्विपमेंट एंड वर्क प्रोसेस विच वुड मेक द जॉब लेस नॉइसी, फाइंड आउट एंड इम्प्लीमेंट परफॉर्मिंग अ टास्क डिफरेंटली टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम द नॉइस एक्सपोजर, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग यूज ऑफ वेल्डेड इंस्टेड ऑफ रिवेटेड कंस्ट्रक्शन इन फैब्रिकेशन। फिर ये इंजिन कंट्रोल्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं। मैंने बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तकरीबन ये 47 कंट्रोल मेजर्स हैं, आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है। अलग अलग वर्क प्लेस के हिसाब से अलग अलग, इसमें से आपको 10-12 बहुत है। इस सारे सारे बाय द वे आपका जो ऐप है जिस हमारा, उसमें ये चीज, ये पूरी बुक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें है ऑलरेडी। अब आप उसको देख सकते हैं, उसमें से सारी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है वो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट कॉपी दी सेंटेंसेस। दीज सेंटेंस कंट्रोल मेजर्स आर फॉर गाइडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ओनली। वंस यू गेट द नॉलेज एंड आइडिया, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। डू नॉट राइट मोर, कीप इन माइंड वर्ड लिमिट, अननेसेसरी एडिंग टू मच कंट्रोल मेजर्स कैन बी क्वेश्चनेबल। अब आपने देखा इसमें 40 लिखा हुआ, आपने 30 लिख दिया। आमतौर पे वो आपको मालूम है, हमने जो पढ़ा था स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, तो वो भी यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ तो आपकी साइट के हिसाब से आप इतना काफी है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो तो हर चीज को देख रहा है। आपने कहा कि हम अगर 50 लिख देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो रीजनेबल है, जो क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंटेबल है, जो वर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लिखना हो, चॉइस आपकी है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंट्रोल मेजर डाल दिए है ना, उसको आप जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैंने फिर हायरार्की के हिसाब से डाला हुआ। एलिमिनेशन है ना, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है या पॉसिबल नहीं है तो इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पीपी चार है। इसके अलावा इसमें एक दो और ऐड कर सकते हैं, इसमें भी एक दो तीन और ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर एक और ऐड कर सकते हैं, इसमें भी ऐड कर सकते हैं, तो ये चार की जगह 8, 10, 11 हो जाएंगे। लेकिन हमने जो लिखा है वो लाइन से हायरार्की में लिखा है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है एलिमिनेशन। लेकिन ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब जो पढ़ने वाला है, जो चेक करने वाला है, समझ जाएगा कि हाँ ये एलिमिनेशन इनकी प्रायोरिटी है और ये बेस्ट हायरार्की है। फिर उसका जहां पे एलिमिनेट नहीं हो पा रहा वहां पर इन्होंने सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की है, या इंजिन कंट्रोल है ना सबसे अच्छा इंजिन कंट्रोल, इस तरह से करके फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इस तरह से इन्होंने जो कंट्रोल मेजर लिखा है उसमें इन्होंने हायरार्की का भी ध्यान रखा है। इस तरह से आपको इन चीजों को लिखना है, ठीक। आपको ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो ऑल ऑफ देम आर कंट्रोल मेजर्स, लेकिन आपकी जॉब रिक्वायरमेंट, आपके वर्क प्लेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इसमें से चूज कर लेना है, और उस चूज करने के बाद उसको हायरार्की के हिसाब से एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पीपी के थ्रू आपको लिखते चले जाना है। 7, 8, 10 लिख देंगे, 11 लिखेंगे, 12 लिख दीजिए, लेकिन इस सीक्वेंस में लिखिए, हायरार्की में लिखिए, ताकि आपका आंसर आसान हो जाए, ठीक। अगेन यहां पे ध्यान रखिएगा, डू नॉट कॉपी।
आप करेंगे, 10 लोग और करेंगे, 2 लोग और करेंगे, आप जो है ना फेल हो जाएंगे। ठीक। व्हेन राइटिंग कंट्रोल मेजर्स प्लीज कीप इन माइंड दैट डिफरेंट वर्कप्लेस हैव डिफरेंट साउंड इश्यूज, ये ध्यान में रखना है। अब आप इंडस्ट्रियल लेवल की बात अपने साइट पे छोटी सी भी कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो आपको अपने वर्क प्लेस के हिसाब से आपको दिमाग में रखना है कि हमारे वर्क प्लेस के हिसाब से क्या क्या चीज यहाँ पर कंट्रोल मेजर्स या जो जो भी सिचुएशन है वो। यू मस्ट नॉट सेलेक्ट ऑल और एट रैंडम, प्लीज चेक द कंट्रोल मेजर्स एज पर योर वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट्स। मिक्सिंग वन टाइप ऑफ नॉइस और इट्स कंट्रोल मेजर्स मे मेक इट डिस्क्वालिफाइड। ठीक, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अभी आपके ऊपर है, आपको कुछ क्वेश्चन है पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? जी एनी क्वेश्चन? नो सर। क्लियर हो गया ना सब? लिख सकते हैं कि नहीं? अब मैंने ये आपको नॉइस के बारे में आज मेरे ख्याल से डिटेल में बता दिया है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। जी ओके, थैंक यू। सर, जी बोलिए। जो आपने काफी सर शेयर किया था सर, आपको अधिक से संबंध चेक किया सर आपने? आज मैंने चेक तो किया था, नूरुल साहब का चेक किया, किसका किया था? मैंने 2-3 दिन इनसे कई कॉपी चेक की हैं, अलग अलग लोगों को भेजी भी है मैंने रिमार्क्स। नहीं, आप मुझे एक बार मेरा भी नहीं है सर। कैसे है तो मैं देख लूंगा। ठीक ओके ओके, और कुछ नहीं सर।